जय हिंद साथियों, रेलवे न्यू वैकेंसी 2024 को लेकर के गुड न्यूज आ चुका है। गुड न्यूज क्या है तो आप लोग को बता दें साथियों, रेलवे की तरफ से 2024 में आप लोग का टोटल 9 जो है वैकेंसी आने वाली थी। 9 में से आप लोग की 3 वैकेंसी आ चुकी है एंड 6 वैकेंसी की अगर बात करें तो वो अभी नहीं आई है। रेलवे ने जब कैलेंडर जारी किया था तो उस वक्त ये सारा जो है मेंशन किया था, बट अभी आप लोग का एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल करके आया है, जिस अपडेट में हम आप लोग को बतलाने वाले हैं कि रेलवे की तरफ से कौन अभी आगे आप लोग का फ्यूचर में 6 वैकेंसी आने वाला है 2024 में ही, 2025 में नहीं, 2024 में ही टोटल 6 वैकेंसी आने वाली है एंड इसका सिलेबस क्या है। और सबसे बड़ा चीज़, बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर कन्फ्यूज है कि सर हम जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, हम अभी TCS पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस सेट को जो है कंप्लीट करा रहे हैं। और कंप्लीट जैसे मान लीजिए कोई भी अगर आप लोग मार्केट से अगर बुक खरीदते हैं रेलवे एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए, तो TCS पैटर्न पर आधारित आप लोग को बुक मिल रहा होगा साथियों, ठीक है। तो अभी इस बार आप लोग का जो एग्जाम है वो कौन कंडक्ट कराएगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। ये भी अभी के सेशन में हम आप लोग को सारा जो है क्लियर कर देंगे साथियों, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। बता दें साथियों, 6 जो भर्ती आने वाली है ये इसका जो है सिलेबस लगभग सबका सेम देखने को मिला है रेलवे का प्रिपरेशन का। तो रेलवे में अगर आप लोग किसी एक भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भैया सभी में फॉर्म भरिएगा, क्योंकि सभी का सिलेबस लगभग सेम है रेलवे का, ठीक है। और ये आप लोग का 10वीं और 12वीं पर ही है, ज़्यादा कुछ नहीं, किसी किसी में ग्रेजुएशन है। सभी जो है इस सेशन में आप लोग को सारी जानकारी प्रोवाइड करा देंगे, पूरी जानकारी, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें साथियों, जो भी कैंडिडेट RPF का फॉर्म फिलअप किए हैं, RPF के लिए चौकसु पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट बुक निकाला गया है, जो कि आप लोगों का प्रिपरेशन के लिए बहुत ही अच्छा बुक है साथियों। RPF कॉन्स्टेबल एंड SI का एकदम बेस्ट बुक निकाला गया है। इनके साथ साथ ये जो है आप लोग का TCS पैटर्न पर आधारित मैथ, रीजनिंग एंड फिर यहीं पर सामान्य अध्ययन का टोटल अलग अलग से एक एक बुक निकाल दिया गया है, जो कि TCS का टोटल इसमें क्वेश्चन आप लोग का डाल दिया गया है साथियों। तो अगर आप लोग इस बुक को बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिया, ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं या फिर आप लोग अपने नजदीकी स्टोर से भी जाकर के मार्केट में बाय कर सकते हैं। चलिए आगे आप लोग को ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखला दे साथियों। देखिए यही है नोटिफिकेशन है, आप लोग का टोटल जो है 129 पेजों में निकाला गया है, ठीक है। बट आप लोग के लिए जो मेन है, देखिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 129 पेज, ठीक है। तो 129 पेज में आप लोग का टोटल ये निकाला गया है, बट आप लोग के लिए यहाँ पर जो मेन टॉपिक है वो टॉपिक हम आप लोग को साथियों दिखला दें कि यहाँ पर आप लोग का कौन कौन सी वैकेंसी आ चुकी है एंड कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है। और सबसे बड़ा चीज़, इसका एग्जाम कौन कराएगा, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट्स है, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्रिपरेशन करने के लिए जिस पैटर्न पर आधारित रहता है ना, उसी पैटर्न पर अगर आप लोग प्रिपरेशन करते हैं तो आप लोग के लिए सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है साथियों। तो आप लोग के लिए यहाँ पर किसका प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करना है ये भी जानकारी दे देंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, स्क्रॉल करिएगा तो 2.4 जो पॉइंट है इसमें आप लोग को देखने को मिल जाएगा, फंक्शन ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, ठीक है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स कंडक्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पोस्ट्स, ठीक है। ये आप लोग का टोटल 2024 में टोटल ये 9 पोस्ट पर वैकेंसी आने वाली। देखिए पहला जो है SSC यानी कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर, दूसरा जूनियर इंजीनियर ग्रुप यानी कि JEE, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेकंड नंबर जो है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रुप यानी कि NTPC का है ग्रेजुएशन लेवल पर, ठीक है। और जो तीसरा नंबर है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रुप यानी कि अंडर ग्रेजुएट लेवल का, ये आप लोग का NTPC की दो बहाली आएगी इतना तो कन्फर्म है, पहला ग्रेजुएशन नंबर और दूसरा अंडर ग्रेजुएट यानी कि इंटर पर। चौथा नंबर जो पोस्ट है आप लोग का ये है कौन सा, तो पारा मेडिकल कैटेगरीज ग्रुप का। पांचवा नंबर है असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन, तो इसका आप लोग का जो वैकेंसी है आ चुका है, असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म अप्लाई हो चुका है, टेक्नीशियन का भी फॉर्म अप्लाई हो चुका है। इसके बाद छठा नंबर पर बात करें तो मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज ग्रुप का भी वैकेंसी आने वाला है साथियों 2024 में ही। सातवें नंबर पर लेवल 1 पोस्ट की अगर बात करें तो ये भी आप लोग का लेवल 1 यानी कि ग्रुप D की वैकेंसी है, जो कि आप लोग की आने वाली है और इसमें लगभग नहीं भी फॉर्म होगा ना तो 2024 में साथियों लगभग नहीं भी होगा ना तो 25 से 30 लाख आप लोग का जो है फॉर्म यहां पर फिलअप होगा, इसको ध्यान रखिएगा। एंड सबसे लास्ट में आप लोग का है 9वां नंबर पर GDCE, तो भाई GDCE का अभी आप लोग का कुछ दिन पहले ही एग्जाम डेट आ चुका है, जो कि 2023 में फॉर्म अप्लाई हुआ था, तो अब मेरे देखने से GDCE का फॉर्म नहीं निकालेगा 2024 में, ठीक है, कि बहुत जल्दी निकाला है इसलिए इसका अब नहीं निकालेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक कंप्लीट हो चुका है, RPF की वैकेंसी भी आप लोग की आ चुकी है एंड GDCE भी खत्म। तो आप लोग के पास अभी 5 से 6 अभी जो है नई नई वैकेंसी रेलवे की तरफ से आने वाली साथियों, जो कि 2024 में ही आप लोग का आएगा।
2024 की ये आप लोग की बेस्ट वैकेंसी होगी साथियों। उसके साथ साथ एसएससी का भी आप लोग का जो जॉब है वो भी बहुत धड़ाधड़ हवलदार एमटीएस सभी का जॉब आप लोग का आने वाला है साथियों। तो आप लोग प्रिपरेशन को अपने कंटिन्यू रखिए और रोजाना हमारे चैनल पर प्रैक्टिस सेट को मारिए, क्योंकि हम आप लोग को डेली प्रैक्टिस सेट कराते हैं। इससे आप लोग का जो तैयारी है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो पाएगा साथियों। और रहा बात कि रेलवे का एग्जाम कौन कंडक्ट कराएगा, तो एग्जाम को लेकर के आप लोग को अपडेट बतला दे साथियों कि टीसीएस ये आप लोग का एग्जाम कंडक्ट कराएगा, क्योंकि भैया और किसी का इतना औकात नहीं है ना कि इतना जो सीटों पर वैकेंसी है और वो भी रेलवे के कैलेंडर जारी करने की वजह से। यानी कि देखिए, रेलवे ने जब कैलेंडर जारी किया है ना, तो उसने साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि ये नहीं भी तो कंटिन्यू 3 साल आप लोग का ईयरली ऐसे ही वैकेंसी निकालने वाला है। यानी कि 3 साल में आप लोग का टेक्नीशियन ए एल पी और फिर आप लोग का ग्रुप डी एनटीपीसी सभी का वैकेंसी 3 साल कंटिन्यू नहीं भी देगा तो देगा, 3 साल तो फिक्स है देगा ही देगा। तो भैया एक प्रत्येक साल हर एक ईयर अगर किसी में हिम्मत है जो कि एग्जाम कंडक्ट करवा ले, तो टीसीएस के अलावा किसी के पास भी औकात नहीं है, इतना दिमाग में रख लीजिएगा। तो टीसीएस ही एकलौता एक है जो आप लोग का रेलवे का एग्जाम कराने का क्षमता रखता है। और जो रेलवे है वो जैसे मान लीजिए सभी पोस्ट के लिए अलग अलग वेंडर नहीं देगा, अगर मान लीजिए किसी को एएलपी का देता है तो वो अपना डेट निर्धारित कर देगा, फिर उसके बाद अगर मान लीजिए किसी को देता है यहीं पर अगर बात कर ले किसका ग्रुप डी का, तो मान लीजिए ग्रुप डी भी सेम नहीं अगर निकाल दिया तो फिर क्या होगा, दोनों का एग्जाम लड़ जाएगा। इसीलिए भैया अगर रेलवे अगर देगा तो एक ही वेंडर को सभी का जो है टेंडर मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कि अगर किसी को मिलने वाला तो वो है आप लोग का वन एंड ओनली टीसीएस को, इससे अलावा और कुछ ही को भी नहीं, ठीक है। और टीसीएस ही आप लोग का 2024 का एग्जाम रेलवे का सारा एग्जाम कंडक्ट कराएगा, इसको ध्यान रखिएगा साथियों। तो टीसीएस पैटर्न पर आधारित जितना भी आप लोग को क्वेश्चन मिल रहा है सारे क्वेश्चन को रट जाइए, सारे क्वेश्चन को जो है कंप्लीट करिए, प्रीवियस ईयर में टीसीएस का जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है सभी क्वेश्चन को रट्टा मार जाइए साथियों। आप लोग के एग्जाम के लिए बेस्ट रहेगा टीसीएस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन। तो हमारे चैनल पर भी ये सारे क्वेश्चन कराए जाते हैं, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो भैया जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। डेली सुबह और शाम के 2 टाइम में आप लोग का प्रैक्टिस सेट हम कराते हैं, जो कि पीवाईक्यू एंड टीसीएस के पैटर्न पर आधारित आप लोग का कैसा क्वेश्चन आ सकता है ये भी क्वेश्चन आप लोग को सारे हम सेशन में प्रोवाइड कराते हैं। डेली प्रैक्टिस सेट करिए, अपनी तैयारी को मजबूत करिए साथियों। और इसके साथ साथ कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट करते रहिए, आप लोग के कमेंट का रिप्लाई हम जरूर देंगे। एंड उसके साथ साथ बता दें साथियों, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। ये जो भी अपडेट है, ये नोटिफिकेशन है, हम वहाँ पर अपलोड कर दिए, आप लोग वहाँ से नोटिफिकेशन को टोटल 129 पेज में नोटिफिकेशन है लेकर के पढ़ सकते हैं क्या है टोटल 129 पेजों में। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।